बड़ी खबर ये मिल रही है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज 11 दावों पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और आगरा की जामा मस्जिद विवाद मामले में अमीन सर्वे पर भी फैसला हो सकता है। 11 में से 10 दावों पर सीनियर जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होगी, तो सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई होने वाली है, जबकि एक दावे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अलग अलग दायर किए गए दावों में ये दावा किया गया है कि किस तरीके से औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर ईदगाह बनवाई थी और विग्रह को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते मथुरा से हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। गौरव, आज की जो सुनवाई है इसको लेकर के क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए आज दो अलग अलग केस लगे हुए हैं। पहले 10 दावे हैं, 10 याचिकाएं हैं, जिनमें जो जहां पर शहीदगाह मस्जिद है वहां पर मूल कृष्ण जन्म स्थान होने की बात कही गई है और उन दावों को लेकर सुनवाई है। दूसरा मामला यह है कि जो मूल विग्रह जन्मभूमि की थी उन्हें आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफना किया गया था और उनके सर्वे की मांग की गई है। और दोनों ही मामले में याचिकाकर्ता और वकील महेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। सुबह 7 बजे मथुरा में आजकल अदालत शुरू हो रही है, गर्मी की वजह से हलचल काफी है। महेंद्र जी बताइए, सबसे ज्यादा उम्मीद किस केस से है आज आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1670 में औरंगजेब भगवान श्री कृष्ण के विग्रह को आगरा ले गया और वहां ले जाकर के जो शाही जामा मस्जिद है उसकी सीढ़ियों में उनको लगा दिया, जो पैरों से चढ़ते उतरते थे, तो उसको लेकर के हमने केस डाला था और आज वो फाइल है, ऑर्डर में रिजर्व की गई थी। और हमारा मानना है कि वहां पर कोर्ट कमीशन जाना चाहिए, कोर्ट कमीशन जाकर के मथुरावी कोर्ट जो शहीदगाह वहां जाना चाहिए और जामा मस्जिद भी जाना चाहिए, तो वहां की वस्तु स्थिति है, जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो न्यायालय के सामने आए, जनता के सामने आए। तो आज उसमें ऑर्डर आने वाला है, विशेष रूप से आज हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो माननीय न्यायालय ने आज की डेट नियत की थी ऑर्डर के लिए, तो देखो इसमें ऑर्डर आएगा कोर्ट कमीशन। कितने बजे तक लगभग ऑर्डर आएगा और क्या उम्मीद है अब तक की सुनवाई किस तरह की रही है? देखिए, इसकी प्रॉपर सुनवाई हो गई है, हमारी तरफ से बहसें पूरी हो गई हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमने पार्टी बनाया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बहस पूरी हो गई है और माननीय न्यायालय के द्वारा पिछली डेट में इसके ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था। अब इसमें 11 बजे के आसपास ऑर्डर आना चाहिए, तो माननीय न्यायालय के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और ऑर्डर में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कोर्ट कमीशन जाएगा, कहां आगरा भी जाएगा और मथुरा भी जाएगा और वहां की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के हमने अनुरोध किया था माननीय न्यायालय से, तो वो स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके अलावा जो 10 दावे हैं जहां पर कहा गया कि शाही ईदगाह मस्जिद जहां पर है वो दरअसल कृष्ण जन्मस्थान यानी कि कारावास है, जहां पर भगवान कृष्ण ने जो है कारावास में जन्म लिया था और वो उसी के नीचे है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 13.37 एकड़ जमीन है और असली जो मंदिर है जिसे ये लोग शाही ईदगाह मस्जिद कहते हैं वो असली भगवान का गर्भगृह है। ये तो 1950 में जो दूसरा पार्ट है मंदिर का, ये 1950 में बनाया गया, तो हम उसी को असली गर्भगृह मानते हैं और हमारा मानना है कि वो हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, भगवान श्री कृष्ण की प्रॉपर्टी है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो वो हमको मिलनी चाहिए। उसी को लेकर के हमने केस दाखिल किया था 23 दिसंबर 2020 को और हमारा ये भी कहना है कि वहां सर्वे हो, क्योंकि पहले सर्वे हुआ है वहां पर। आखिरी में एक लाइन, मामला ज्ञान व्यापी में भी चल रहा है, वहां मुस्लिम पक्ष कहता है कि औरंगजेब बहुत निर्दयी शासक नहीं था, उसने कोई मंदिर नहीं तोड़े, तो ये मंदिर कैसे टूटा फिर? अब जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है, इतिहास की दुनिया की किताबें लिखी पड़ी हैं, इतना क्रूर शासक मुगलों में कोई हुआ ही नहीं, जिसने एक एक करके चुन चुन के मंदिरों का विध्वंस किया, मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया गया और मूर्तियों को जमुना में फेंकवा दिया गया और ले जाके वहां चिरवा दिया गया। तो देखिए, इन्हीं सब चीजों को जो कि इतिहास में हुआ और उनके साक्षों के साथ, गौरव आज सुनाई होनी है आपका, रुके पर फिर से हम करेंगे गौरव। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा की इजाजत के लिए याचिका दायर की गई है। हिंदू पक्ष ने मथुरा कोर्ट में नई याचिका दायर की है। जन्मभूमि की जगह पर ईदगाह का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के हरिशंकर जैन ने ये याचिका दायर की है। आज याचिका पर अहम सुनवाई होने वाली है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईदगाह में पूजा के लिए ये याचिका दायर की गई है। गौरव का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं गौरव, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा के लिए इजाजत की याचिका दायर की गई है और ऐसे में हिंदू पक्ष ने मथुरा कोर्ट में याचिका दायर की, इसको लेकर कब सुनवाई होनी है? देखिए, ये मामला जो है फाइल किया गया है हरिशंकर जैन, जो कि ज्ञान व्यापी बनारस के मामले में भी जो है वो पक्षकार हैं और वो इस मामले भी उन्होंने सेम याचिका लगाई है। पूजा के अधिकार की मांग जैसे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में महिलाओं ने की थी,
वैसी ही मांग यहां पर शहीदगाह मस्जिद में की गई है। हालांकि अभी जो मामला है वो मेंटेनेबिलिटी पर जाएगा और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है यानी कि शहीदगाह मस्जिद की जो कमेटी है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है ये सभी अपना पक्ष रखेंगे। अभी इस मामले को किस कोर्ट में लिस्ट किया गया इसकी जानकारी साफ नहीं हुई है, लेकिन यहां पर पूजा के अधिकार की मांग होती रही है। महेंद्र जी, पूजा के अधिकार की मांग भी शहीदगाह मस्जिद में होती है, किस तरह की मांग और कितनी ये बड़ी मांग है हिंदुओं की यहाँ पर? देखिए, पूजा के अधिकार की मांग हम शुरू से करते रहे हैं, क्योंकि वो मस्जिद हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं है, वो भगवान का गर्भगृह है जहाँ भगवान प्रकट हुए थे। और जहाँ भगवान प्रकट हुए तो नेचुरल सी बात है कि वो हिंदू आस्था का केंद्र है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का आस्था का सवाल है। तो हम शुरू से कहते रहे हैं कि वो स्थान हमको मिलना चाहिए, पूजा के लिए भी मिलना चाहिए, क्योंकि असली गर्भगृह तो वही है। तो हम चाहते हैं जितने भी हिंदू हैं सबकी इच्छा है कि वहां पर पूजा हो और हमने इसकी मांग भी की। तो देखिए, बिल्कुल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट एक बड़ी बाधा है इस तरह की जो याचिकाएं दाखिल की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादातर मामलों में सुनवाई कर रहा है और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जिस तरह से कांग्रेस के वक्त लाकर ये कह दिया गया कि 1947 के वक्त जिन धार्मिक स्थानों पर जो स्थिति थी वो बदली नहीं जाएगी, हालांकि राम मंदिर को इससे अलग रखा गया था, लेकिन मथुरा और काशी का मामला इतना बड़ा मामला था जो कि आस्था का प्रतीक है और यही वजह है कि लगातार अदालतों में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चुनौती दी जा रही है और हिंदू पक्ष इस पर आगे जब सुनवाई शुरू होगी। गौरव, आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरीके